हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गर्मी का मौसम जो है आ गया है और शरीर को ठंडक देने के लिए हमें कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन करता है। तो आज बना रही हूँ मैं गन्ने का जूस, वो भी बिना गन्ने के, घर में सिर्फ 5 मिनट के अंदर। उसके लिए ले लिया है मैंने एक नींबू और 10-12 जो है पुदीने के पत्ते लिए हैं और आधा कटोरी ली है मैंने गुड़। ये देसी वाला गुड़ है इस जूस से जो है। तो मैंने ले लिया है एक मिक्सचर जार, इसमें हम गुड़ को डाल देंगे और साथ में डाल देंगे पुदीने की पत्ती। छोटा चम्मच आधा डाल रहे हैं हम सेंधा नमक। तो नींबू बड़ा था तो मैं ये आधा ही लिया है और इसके रस को अब हम इसमें निचोड़ लेंगे। तो मैंने लिए हैं बर्फ के 5-6 टुकड़े और इन्हें भी हम इसमें डाल देंगे। इससे हमारा जो गन्ने का जूस है बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगा। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए जी, इस तरह का ये हो चुका है और ठंडक से जो है देखिए इस तरह का ये ओस जो है इसमें लग चुकी है, आइस इस तरह की जम चुकी है। तो मैं 2 गिलास बना रही थी तो मैंने इस तरह के 2 गिलास ले लिए हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें बर्फ़ के टुकड़े। आप जितना ठंडा पसंद हो आपको, आप उतना बर्फ़ के टुकड़े इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ 2-2 पीस डाल रही हूँ। तो अब डाल रहे हैं हम इसमें जो हमने ग्राइंड करके रखा था। आप चाहे तो इसके 3-4 गिलास भी बना सकते हैं, लेकिन मैं 2 ही गिलास में इसमें डाल रही हूँ। तो मैंने उसी जार में थोड़ा पानी डाला और इसको मैं अब इसमें डाल दूँगी और पानी इसमें डाल देंगे और इसको इस तरह से भर देंगे। देखिए कितना अच्छा, बिल्कुल गन्ने के जूस की तरह लग रहा है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन, और ये पीने में भी बहुत टेस्टी होगा। अगर आपको गन्ने के जूस की रेसिपी पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और साथ में बेल का बटन है उसे दबाइएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम कर लेते हैं जूस को इंजॉय। आप भी इस तरह से गन्ने का जूस बनाइए, पिए और पिलाइए और गर्मी को भगाइए।